नमस्कार सभी बच्चों को। देखिए आप लोग जो है क्लास पीरियड में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मॉडर्न फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़े थे, और मॉडर्न फिजिक्स के बाद में आप लोग रेडियो एक्टिविटी का आप लोग हेडिंग दिए थे, जहां से हम लोग को आगे कोर्स शुरू करना था। और आज हम लोग जो है रेडियो एक्टिविटी में आगे देखेंगे। तो चलिए आप लोग हेडिंग बनाइए रेडियो सक्रियता और इसकी शुरुआत की जाए। ओके, देखिए पहले समझिए कि रेडियो सक्रियता है क्या। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, वैसे सबस्टांस जो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन मतलब स्वतः विखंडन के कारण चार्ज्ड और एनर्जेटिक किरणें उत्पन्न करता है, जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। गैसों को आयनीकृत करते हैं। तथा सॉलिड टारगेट को भेद सकते हैं। वैसे तत्व रेडियो सक्रिय तत्व तथा यह घटना रेडियो सक्रियता कहलाता है। देखिए जैसे जैसे तत्व का एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, उसका n बाई पी रेशियो, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो जो है वह बढ़ने लगता है। कुछ तत्व जो होते हैं आगे चल करके स्वतः विखंडित होने लगते हैं, और जब विखंडित होते हैं तो उनसे एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल माने चार्ज किरणें जो है निकलती हैं बाहर। कुछ किरणों में चार्ज भी होती हैं, कुछ एनर्जेटिक किरणें होती हैं, और वे किरणें जो हैं गैसों को आयन में भी बदल सकती हैं, सॉलिड टारगेट को भेद सकती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती हैं। तो वैसे तत्व जिनसे यह एनर्जेटिक किरणें बाहर निकलती हैं उन तत्वों को रेडियो सक्रिय तत्व कहा जाता है, और इस घटना को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, रेडियो सक्रियता कहते हैं। चार्ज मतलब आवेशित होता है,
मतलब कि अव्यसित किरणों को यह उत्पन्न करता है। तो आप लोग को बात समझ में आ गई होगी कि वैसे सबस्टांस जो स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन के कारण चार्ज और एनर्जेटिक किरणें उत्पन्न करता है, जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, गैसों को आयनीकृत करती हैं तथा सॉलिड टारगेट को भेद सकती हैं, सॉलिड टारगेट से भी इस पार से उस पार आ जा सकता है। वैसे तत्व रेडियो सक्रिय तत्व तथा यह घटना रेडियो सक्रियता कहलाता है। पहले इस बात को आप लोग लिख लीजिए। पॉज करते हुए भी आप लोग जो है अपने वीडियो को देखते रहिए और लिखते रहिएगा, समझने के प्रयास कीजिए। देखिए इसका एक एग्जांपल दे दिया जाए। एग्जांपल में दे दीजिए कि रेडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 88 होता है, थोरियम होता है, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है, यूरेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है। ये ऐसे तत्व हैं जो कि रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व हैं। एक एग्जांपल में दे दीजिए आप लोग। मन लगा करके घर पर आप लोग को रेगुलरिटी के साथ पढ़ाई करनी जरूरी है। लिख लीजिए इसको। चलिए आप लोग लिख लिए होइएगा। देखिए ऊपर से मिटा देते हैं। अब कुछ बातें समझिए इससे संबंधित। देखिए रेडियो सक्रियता की खोज जो है वह 1896 ईस्वी में की गई थी हेनरी बेक्विरेल द्वारा। इसका खोज जो है 1896 में हेनरी बेक्विरेल द्वारा किया गया। हेनरी बेक्विरेल जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है पिच ब्लेड पर अपना प्रयोग सर्वप्रथम किया था। पिच ब्लेड जो है वह यूरेनियम का एक अयस्क होता है जिसका सूत्र जो है U3O8 होता है, U3O8। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए इससे संबंधित कुछ बातें हम लोग लिख लेते हैं। पहले इस बात को उतारिए। चलिए नंबर वन में लिखा जाए, रेडियो एक्टिविटी की खोज। रेडियो एक्टिविटी की खोज फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेक्विरेल द्वारा 1896 ईस्वी में की गई। नोट करके सारे बात लिखवा देते हैं। देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, तो हेनरी बेक्विरेल ने की थी, फ्रांस के साइंटिस्ट हैं और इन्होंने 1896 ईस्वी में इसकी खोज की थी। पहला बात इसको नोट कीजिए। दूसरा बात लिखिए, पीच ब्लेड यूरेनियम का एक अयस्क है। इस बात को भी लिख देते हैं, यूरेनियम का अयस्क है जिसका सूत्र
U3O8 होता है। पिच ब्लेड का सूत्र भी आप लोग याद रखिएगा। नंबर 3 में लिखिए, देखिए रेडियम जिसका एटॉमिक नंबर 88 होता है और पोलोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 84 होता है की खोज मैडम क्यूरी द्वारा की गई है। मैडम क्यूरी द्वारा की गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी याद रखिएगा कि रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की थी, तो मैडम क्यूरी ने की थी। और एक बात मैडम क्यूरी के बारे में भी जान लीजिए कि मैडम क्यूरी जो है, मैडम क्यूरी पहली महिला हैं जिन्हें दो बार नोबेल प्राइज दिया गया है। नोबेल प्राइज दिया गया है इस बात को पहले आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब आगे बात देखिए। नोट में करके लिख रहे हैं बात, तो कुछ और भी बात पहले लिख लिया जाए। नंबर 5 में आप लोग लिखिए, देखिए बिस्मथ जिसका सूत्र होता है BI, एटॉमिक नंबर होता है इसका 83, बिस्मथ का एटॉमिक नंबर होता है 83। बिस्मथ 83 के बाद जितने भी तत्व हैं वो रेडियो सक्रिय तत्व हैं। आप लोग को याद रखना होगा कि बिस्मथ 83 के बाद जितने भी तत्व हैं वे रेडियो सक्रिय तत्व हैं। के बाद जितने भी तत्व हैं माने जिनका एटॉमिक नंबर बिस्मथ से अधिक है, जितने भी तत्व हैं वे रेडियो सक्रिय हैं। रेडियो सक्रिय हैं। और देखिए प्रकृति में जितने भी रेडियो सक्रिय तत्व हैं उनमें यूरेनियम 92 जो है वह सबसे भारी तत्व है। नंबर 6 में भी बात लिख देते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों में यूरेनियम 92 सबसे भारी तत्व है। ओके, लिखिए आप लोग। लिख लीजिए इसे भी।
अब समझिए थोड़ा सा बात, नंबर 7 में लिख देते हैं। यूरेनियम 92 के बाद जितने भी तत्व हैं वे प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, अतः ऐसे तत्वों को सिंथेटिक एलिमेंट या आर्टिफिशियल एलिमेंट चाहे मैनमेड एलिमेंट कहा जाता है। इस बात को भी लिख देते हैं कि यूरेनियम 92 के बाद जितने भी तत्व हैं वे प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, अतः ऐसे तत्वों को आर्टिफिशियल एलिमेंट या सिंथेटिक एलिमेंट कहिए इसको, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम तत्व इसको कह सकते हैं हिंदी में, कृत्रिम तत्व या सिंथेटिक एलिमेंट या इसको मैनमेड एलिमेंट भी कह सकते हैं, मैनमेड एलिमेंट कहा जाता है। नोट कर लीजिए, नंबर 8 में लिखिए। देखिए, कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व की जो खोज जो है आयरन क्यूरी और फ्रेडरिक जूलियट द्वारा किया गया था। कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व की खोज आयरन क्यूरी और फ्रेडरिक जूलियट द्वारा किया गया। ओके, पहले इतना लिख लीजिए तब फिर कुछ और बात बताते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट मिटा देते हैं इतना, बाकी लिखिए आप लोग और बहुत मन लगा करके पढ़ते रहना है। देखिए, अब थोड़ा आगे की बात समझिए। कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्व की खोज जो है आयरन क्यूरी द्वारा की गई थी, ये बात हम लोग तो नोट कर लिए हैं। रेडॉन जो है, रेडॉन आयरन जो होता है, रेडॉन एक अक्रिय गैस है, 86 एटॉमिक नंबर होता है। रेडॉन एकमात्र अक्रिय गैस है जो रेडियो सक्रिय है। देखिए, बिस्मथ 83 के बाद हम कहे हैं कि जितने भी तत्व होते हैं वो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। अक्रिय गैस में एकमात्र रेडॉन है जिसका एटॉमिक नंबर 83 से अधिक होता है और ये भी एक रेडियो सक्रिय तत्व है। अगर मान लीजिए कि पूछा जाए कि रेडियो एक्टिविटी कैसी घटना है, तो हम कहेंगे कि यह एक न्यूक्लियर फेनोमेनन है, नाभिकीय घटना है,
क्योंकि नाभिक ही टूट करके एक नए नाभिक का निर्माण करता है। और यह प्रक्रिया जो है रेडियो एक्टिविटी में तब तक चलती है जब तक कि एक नए अस्थायी तत्व का निर्माण नहीं हो जाता है। ऐसे किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व को पूर्णतः टूटने में जो है अनंत समय लगता है। समझा रहे हैं, इस बात को पहले लिख लिया जाए। देखिए कि रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता एक नाभिकीय घटना है। नाभिकीय घटना को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर फेनोमेनन। न्यूक्लियर फेनोमेनन है, नाभिकीय घटना है। नोट कीजिए इसे। नंबर 11, एक रेडियो सक्रिय तत्व, एक रेडियो सक्रिय तत्व तब तक विखंडित होता है, मतलब कि टूटता है, होता है जब तक कि, जब तक कि एक नए अस्थाई तत्व का निर्माण नहीं हो जाता है। तब तक यह प्रोसेस जो है चलता रहता है। ऐसे भी बात याद रखिए कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व को पूर्णतः विखंडित होने में कितना समय लगता है, तो अनंत समय लगता है। मान लीजिए 1 ग्राम का रेडियो सक्रिय तत्व है और देखिए उसका आधा भाग टूटने में जो समय लगता है उसे हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो 1 ग्राम से टूट करके आधा जाएगा, मान लीजिए कि उसका हाफ लाइफ पीरियड 10 घंटा है, तो 10 घंटा में 1 से 1/2 हुआ, फिर अगला घंटा में 1/2 से 1/4 हो जाएगा, फिर 1/8 हो जाएगा, फिर 1/16 हो जाएगा, फिर 1/32 हो जाएगा, फिर 1/64 हो जाएगा, फिर 1/128 हो जाएगा। लेकिन कभी भी वह 0 तो नहीं ना हो जाएगा, तो 0 तो होगा ही नहीं, तो प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहेगा। मतलब यह प्रक्रिया जो होती है वह हमेशा अनंत समय तक चलती रहती है। फिर से समझ लीजिए, हम कहें कि 1 से टूटा तो आधा हो गया, आधा से टूटा 1/4 हो गया, 1/4 से टूटा तो 1/8 हो गया, 1/8 से टूटा तो 16 हो गया, फिर 1/32 हो गया, फिर 1/64 हो गया, फिर 1/28 हो गया, 128। इस ढंग से यह चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि 0 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। यह तो घटता रहेगा, टूटता रहेगा, मतलब कि एक रेडियो सक्रिय तत्व को पूर्णतः विखंडित होने में कितना समय लगेगा, तो हम लोग कहेंगे कि अनंत समय लगता है। इस बात को भी नोट कर लिया जाए नंबर 12 में। किसी रेडियो सक्रिय तत्व को, रेडियो सक्रिय तत्व को पूर्णतः विखंडित होने में, पूर्णतः विखंडित होने में अनंत समय लगता है। इस बात को याद भी रखेंगे, अनंत समय लगता है। नोट कीजिए इन बातों को। अब आप लोग लिख लिए होइएगा
चलिए आगे की बात पर ध्यान दीजिए। देखिए नंबर 13 में आप लोग नोट करके लिखिए कि रेडियो सक्रियता के मात्रक। रेडियो सक्रियता के मात्रक, देखिए रेडियो सक्रियता का जो मात्रक होता है इसका SI मात्रक लिख देते हैं कि रेडियो सक्रियता का SI मात्रक बेक्विरेल होता है। जो बेक्विरेल जो खोज किए हैं वैज्ञानिक हेनरी बेक्विरेल, उन्हीं के नाम पर जो है बेक्विरेल लिया गया है। बेक्विरेल होता है, इसके और भी दो मात्रक हैं, एक है क्यूरी जो कि मैडम क्यूरी के नाम पर दे दिया गया है, और दूसरा मात्रक होता है रदरफोर्ड भी होता है। रेडियो सक्रियता के अन्य मात्रक भी लिख लीजिए, एक हो गया क्यूरी और एक हो गया रदरफोर्ड। मतलब कि देखिए रेडियो सक्रियता के तीन मात्रक होते हैं, एक होता है बेक्विरेल, एक होता है क्यूरी, एक होता है रदरफोर्ड। हो सकता है कि ISC के ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें से कौन जो है रेडियो सक्रियता का मात्रक नहीं है, और ऐसा ही तीन मात्रक दे करके चौथा एक कोई और मात्रक दे दिया जाए। तो आपको ऐसे याद रहना चाहिए तीनों मात्रक, नोट कर लीजिए इसे। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाया जाए, नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। रेडियो सक्रिय किरणों के प्रकृति को दर्शाएं। क्वेश्चन दे दीजिए और आंसर में आप लोग हेडिंग दे दीजिए कि नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। देखिए नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेज की खोज जो है रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। रदरफोर्ड आप नोट करके भी लिख दीजिएगा कि इसकी खोज रदरफोर्ड द्वारा की गई। रदरफोर्ड द्वारा की गई, समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए कि स्पॉट में हम लोग किसी रेडियो एक्टिव सबस्टांस को ले लिए। अब इस रेडियो एक्टिव सबस्टांस से तीन किरणें बाहर निकलती हैं, अल्फा बीटा और गामा किरणें बाहर निकलती हैं। तो क्या देखा गया कि इसमें से एक किरण जो है सीधे निकल गई, बिना विचलन के वह सीधे निकल गई। इधर पॉजिटिव प्लेट लगा दिया गया और इधर निगेटिव प्लेट दे दिया गया, माने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें लगाया गया
निगेटिव प्लेट। तो और क्या देखा गया कि एक किरण जो है पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ गई और एक किरण जो है निगेटिव प्लेट की ओर मुड़ गई। तो जो निगेटिव प्लेट की ओर मुड़ेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस किरण को अल्फा रेज कहा जाता है। जो पॉजिटिव प्लेट की ओर किरण मुड़ेगा उस पर निगेटिव चार्ज होता है। इधर इस रे को कहा जाता है बीटा रेज। तो बीटा रेज पर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। अल्फा रेज पर तो पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि निगेटिव प्लेट की ओर आया, आकर्षण हो गया। और एक रे जो है सीधे निकल गया तो इस रेज को हम लोग गामा रेज कहते हैं क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं हुआ, चार्ज नहीं होता है। यह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड द्वारा भी जो है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम आपको बताए थे कि विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसी तरंगें होती हैं। तो देखिए गामा रेज भी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसका स्पीड प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो ऐसी तरंगों पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बिना विचलन के सीधे निकल गई। ये किरणें जो है निगेटिव प्लेट की ओर मुड़ गई जबकि अल्फा रेज जो है वह निगेटिव प्लेट की ओर मुड़ गई। तो रेडियो एक्टिव रेज में हमने तीन किरणों को देखा। रेडियो एक्टिव रेज एक था आपका अल्फा रेज, एक हो गया बीटा रेज और एक हो गया आपका गामा रेज। अल्फा रेज पर कौन सा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर निगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है इस पर। और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। साथ ही साथ ये भी इससे आप ध्यान में देखिए ये सीधे निकल गई, इसका मतलब कि इसका स्पीड सबसे अधिक होता है, उसके बाद बीटा का होता है और उसके बाद जो है अल्फा का होता है। मतलब अल्फा रेज का स्पीड सबसे कम होता है, तब बीटा का होता है, तब होता है आपका गामा का होता है। ये इसका भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है किसका? गामा रेज का। हम इन सारे किरणों का अल्फा बीटा गामा रेज का प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को लिखवा देते हैं। इस बात को पहले आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए आप लोग इस बात को। ओके, यदि पढ़ाई समझ में आ रही हो, बातें समझ में आ रही हो, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए। वीडियो बार बार देखिए ताकि आप लोगों को बातें जो हैं समझ में आती रहें। बार बार भी देखना ज़रूरी है। और कोई दिक्कत हो तो मेरे नंबर पर आप लोग कॉल करके आप अपना प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, लेकिन रेगुलरिटी के साथ पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में हम लोग जो है अल्फा बीटा गामा किरणों के प्रॉपर्टीज पर आएंगे, इसके गुणों को लिखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, तब तक रीडिंग दे लीजिएगा। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस में जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना आपको ज़रूरी है। चलिए ओके।